आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नौसेना में बड़ी तेजी से काम जारी है और उसी आत्मनिर्भरता की ताकत दुश्मन देशों को समय समय पर दिखाई भी गई है। समुद्र पर नियंत्रण और एरिया डोमिनेशन का ट्रेलर चीन और पाकिस्तान को अरब सागर में आए दिन दिखाया जाता है। 5 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को नौसेना के कमांडर कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बार फिर भारतीय नौसेना के ट्विन कैरियर बेस्ड ऑपरेशन को दिखाया गया। भारतीय नौसेना के दोनों कैरियर बैटल ग्रुप यानी कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के साथ तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जंगी जहाज और सबमरीन के साथ ब्लू वाटर में इन ट्विन कैरियर बेस्ड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। एक के बाद एक MiG-29 के फाइटर जब कैरियर के डेक से उड़ान भर रहे थे तो अरब सागर में उस वक्त मौजूद चीन और पाकिस्तान के जंगी जहाजों को डर का एहसास हो रहा था। हर एक ड्रिल पर चीन और पाकिस्तान की नौसेना आंखें गड़ाए बैठी थी। बहुत कम होता है जब नौसेना के दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ नजर आते हैं। ट्विन कैरियर बेस्ड ऑपरेशन में दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत से एक एक करके फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-29 के उड़ान भरने लगे थे। आसमान में अलग अलग तरह के ड्रिल के जरिए पायलट अपनी तैयारियों को धार दे रहे थे। ट्विन कैरियर बेस्ड ऑपरेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि युद्ध की स्थिति में अगर दोनों कैरियर मूव करते हैं तो जरूरत पड़ने पर एक दूसरे से अपने ऑपरेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। इससे नौसेना की ऑपरेशन रेंज बढ़ जाती है। सर्विलांस ड्रोन के जरिए इस पूरे अभ्यास को मॉनिटर किया जा रहा था। लक्षद्वीप का मिनिकॉय आइलैंड जो कि 9 डिग्री चैनल के साउथ में है और यहाँ से सबसे ज़्यादा ट्रेड गुजरता है। अगर हम लोग बात करें चाइना की, जो सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, सबसे बड़ा खतरा है, उसका भी 80% ट्रेड इसी इलाके से गुजरता है। और अगर उस ट्रेड को चोक कर दिया जाए तो चाइना की जो बैकबोन है वो पूरी तरीके से टूट जाएगी। लिहाजा ये जो नेवल बेस है ये अपने आप में ही उस देश को यानी कि चाइना को मैसेज देने के लिए काफ़ी है कि अब हमारे पास एक चोक पॉइंट नहीं है, अब हमारे पास 2 चोक पॉइंट है और अब तो मलक्का स्ट्रेट तक पहुंचने के लिए भी उसको मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे पहले ही इस इलाके में यानी कि 9 डिग्री चैनल पे ही उसके सारे के सारे ट्रेड को रोका जा सकता है, चोक किया जा सकता है और ये घुटन ज़रूर चीन महसूस करेगा। क्योंकि अभी भारतीय नौसेना के पास डेक बेस्ट फाइटर के नाम पर MiG-29 के ही है जो कि दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर से फिलहाल उड़ान भर रहे हैं, जबकि INS विक्रांत के लिए नए फाइटर एयरक्राफ्ट लेने की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को है। फ्रांस का रफाल मरीन फाइनल किया जा चुका है। आप ये भी समझिए कि क्या होता है कैरियर बैटल ग्रुप। दरअसल एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र पर तैरता एक एयरफील्ड होता है और एयरक्राफ्ट कैरियर की वजह से ही एयर अटैक करने की क्षमता दोगुनी हो जाती है। यानी कि अगर अटैक एयर ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो जमीनी एयरबेस से एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने की बजाय समुद्र में दुश्मन के इलाके के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर को पोजीशन करके एयर ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। एयरक्राफ्ट कैरियर कभी अकेले मूव नहीं करता। इसके साथ इस कैरियर तक पहुंचने वाले किसी भी खतरे को दूर करने के लिए दर्जनों जंगी जहाज और सबमरीन भी मौजूद रहते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर पर दुश्मन देश की नजर सबसे पहले होती है, क्योंकि अगर इसे निशाना बनाया गया तो नौसेना की कमर टूट जाती है, लिहाजा इसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। अगर हम भारतीय कैरियर बैटल ग्रुप की बात करें तो एक ग्रुप में डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट, सबमरीन और सपोर्ट शिप की संख्या 8 से 12 होती है। हालांकि ऑपरेशन के लिहाज से इनकी संख्या को कम ज्यादा भी किया जा सकता है। इसके अलावा मिसाइल बोट, कार्वेट, ऑयल टैंकर शिप भी मूव करते हैं। हर जंगी जहाज, फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और हर तरह के टारगेट या खतरे को एंगेज करते हैं। ये सभी एयरक्राफ्ट कैरियर के 30 से 40 नॉटिकल मील के रेडियस पर अलग अलग तरह की पोजीशन होती है। अगर भारतीय नौसेना के कैरियर बैटल ग्रुप के इफेक्टिव रेंज की बात करें तो शायद 200 से 250 नॉटिकल माइल तक के इलाके में ये बैटल ग्रुप सुरक्षित रखने में सक्षम है।
और जंग के दौरान ये और बढ़ जाती है। कैरियर बैटल ग्रुप में एंटी सबमरीन वारफेयर ऑपरेशन, एंटी शिप ऑपरेशन, एयर डिफेंस, सर्विलांस और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा सकते हैं। भारत के पास फिलहाल 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और तीसरे कैरियर को लेकर अभी भी चर्चा जारी है। आत्मनिर्भर भारत के तहत नौसेना ने एक लंबी छलांग लगाई है। चीन नंबर के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है और वो लगातार अपना दायरा भी बढ़ा रहा है। वो दुनिया भर में अपने जंगी जहाजों के साथ फैला हुआ है। एंटी पायरेसी, हाइड्रोग्राफिक रिसर्च और मछली पकड़ने के नाम पर चीन हर जगह एक्टिव है। दूसरे देशों में अपने नौसेना अड्डे भी स्थापित करने में जुटा हुआ है तो अपने मित्र देशों की नौसेना को डेवलप भी कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा सहयोगी है पाकिस्तान। पाकिस्तान अपनी नौसेना का आधुनिकीकरण करने में जुटा हुआ है और उसकी नौसेना को डेवलप करने के लिए चीन सबसे आगे है। अभी 24 के करीब जंगी जहाज वाले पाकिस्तानी नौसेना आने वाले दिनों में उसकी संख्या को 2 गुनी करने की राह पर है। पाकिस्तान साल 2035 तक अपने जंगी जहाजों की संख्या 50 तक कर देगा। चीन की बात करें तो उसके पास फिलहाल 355 जंगी जहाज, पनडुब्बी, माइन स्वीपर, एयरक्राफ्ट कैरियर, एम्फीबियस वॉरशिप। 2030 तक चीन इस संख्या को 460 तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। भारत को घेरते हुए चीन ने श्रीलंका, ग्वादर, जिबूती जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर अपने नौसेना के ठिकाने तैयार किए हैं। अब इतनी तेजी से दोनों दुश्मन देश आगे बढ़ रहे हैं तो भारतीय नौसेना भी आत्मनिर्भर भारत के तहत 2047 तक पूरी तरह स्वदेशी नेवी हो जाएगी। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार के मुताबिक फिलहाल नौसेना के पास 130 जहाज और 250 एयरक्राफ्ट हैं और पिछले 10 साल में 33 शिप सबमरीन को नौसेना में शामिल किया गया है। वो सभी देश में बने हुए हैं। 66 जहाजों का निर्माण हो रहा है, जिनमें से 2 रूस में बन रहे हैं। हवाई जहाज भी देश में बनेगा और जब ये सब नौसेना में शामिल हो जाएंगे तो नौसेना के जंगी जहाजों की संख्या 165 से 170 तक हो जाएगी। अगले 10-12 सालों में हमारे देश की समुद्री सीमा की रक्षा के लिए जो भी करना होगा वो कदम उठाए जाएंगे। अगर हम चीन के हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूदगी की बात करें तो 3 से 4 चीनी PLA के जंगी जहाज हमेशा यहाँ मौजूद रहते हैं। इसके अलावा कई शिपिंग वेसल और फिशिंग वेसल भी यहाँ मौजूद रहते हैं। भारतीय नौसेना हर मोमेंट पर नजर बनाए हुए है। की जा रही है कि 2047 तक पूरी तरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे, शिप्स के नंबर्स बढ़ेंगे। अभी फिलहाल क्या स्टेटस है, क्योंकि एडवर्सरीज के पास तो चाइना जो है वो पूरी तरीके से दुनिया का नंबर वन हो गया नंबर के हिसाब से, और पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहा है, हम लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? तो हमारा देखिए करीब 130 जहाज हैं और कुछ 250 एयरक्राफ्ट भी हैं और हम लोग अभी पिछले 10 साल में करीब 33 शिप्स और सबमरीन्स कमीशन किए हैं, वो सब हमारे देश में ही बना है और आगे जाके फिलहाल 66 शिप्स का निर्माण हो रहा है। अभी उसमें से सिर्फ 2 शिप जो है वो रूस में बन रहा है, बाकी सारे देश में ही बन रहा है और आगे जाके तो एक भी जहाज बाहर नहीं बनेगा, सब देश में बनेगा, हवाई जहाज भी देश में बनेगा। तो ये जब इतने शिप्स अभी कमीशन होंगे तो हमारा नेवी का स्ट्रेंथ करीब 165-170 तक हो जाएगा अगले 10 साल में, 10-12 साल में। तो जब हम जहाज बनाते हैं या उसका एक कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्लान होता है, फोर्स प्लानिंग और कैपेबिलिटी डेवलपमेंट, तो ये जब हम इसका जो प्लानिंग करते हैं, इसका प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए, तो जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है मैरिटाइम डोमेन में जहाँ भी हो उसको प्रोटेक्ट करना है, प्रिजर्व करना है, प्रमोट करना है और परसू करना है, ये 4 चीज़ हमें करना है नौसेना को। तो इसके लिए जो भी एसेट चाहिए, जो भी कैपेबिलिटी चाहिए, वो हम पहले वर्कआउट करते हैं और देखते हैं कि वो एयरक्राफ्ट चाहिए, सबमरीन चाहिए, क्या है। इसराइल हमास की जंग ने बदल दिया है ब्लू वाटर का मिजाज। दरअसल इसराइल और हमास की जंग लगातार जारी है और एक बार फिर से इस जंग में दुनिया के 2 हिस्से बटे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही रूस यूक्रेन में जारी युद्ध में देखा गया, लेकिन इसराइल हमास की जंग का असर अब दुनिया के समुद्र के जरिए होने वाले व्यापार पर पड़ना शुरू हो गया है। यमन के हूती विद्रोहियों ने पिछले नवंबर से ही रेड सी में अदन की खाड़ी और मध्य उत्तरी अरब सागर के अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों को अब निशाना बनाना भी शुरू किया है। पहले तो सोमालिया के समुद्री लुटेरे ही व्यापारिक जहाजों के लिए समस्या होते थे, लेकिन अब हूती विद्रोहियों की वजह से ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो गई है और ये एक बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। 6 मार्च को अदन की खाड़ी में एक बार फिर से
बारबाडोस फ्लैगशिप बल्क शिप MV2 कॉन्फिडेंस जो कि अदन की खाड़ी में मौजूद था, उस पर हुथी विद्रोहियों ने मिसाइल से हमला कर दिया, जिससे इस जहाज पर आग लग गई और उसके कुछ क्रू गंभीर रूप से घायल हुए। मिशन डेवलपमेंट के तहत अदन की खाड़ी में मौजूद भारतीय नौसेना का जंगी जहाज INS कोलकाता को मदद के लिए भेजा गया। कुल मिलाकर 21 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। हाल के दिनों में बड़े समुद्री खतरे को देखते हुए नौसेना ने अपनी तैनाती को और बढ़ाया है। अरेबियन सी में बहुत ज्यादा टेंशन भी नजर आ रही है, हालांकि हम लोग तैनात है वहाँ पे पूरी तरीके से। किस तरीके से देख रहे हैं टेंशन और हम लोग का किस लेवल पर इस वक्त हेल्प कर रहे हैं? तो वहाँ का जो सिचुएशन जो है वो काफ़ी फ्रजाइल है, मतलब वो और यहाँ हम जो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन का बात करें तो दुनिया के मर्चेंट शिप्स ज़्यादातर वहीं से गुजरते हैं और वहाँ जो एक चुक पॉइंट है बबल मंडप, तो उसमें उसे होके तो निकलना पड़ता है, वो काफ़ी नैरो है और ये यमन का ये जो हुती रिबल्स हैं वो उसके आसपास से ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये लड़ाई तो हो रहा है कहीं और, मतलब इसराइल और हमास के बीच में, और उसका इफेक्ट जो हो रहा है वो कहीं और, मतलब यमन के पास काफ़ी सेपरेटेड है। तो इसमें जो हम देख रहे हैं, एक तो ये मर्चेंट शिप पे अटैक हो रहा है, दूसरा जो है ये एसिमेट्रिक एक्टिविटी हो रहा है कि कुछ मिसाइल फायर कर रहे हैं, कोई ड्रोन फायर कर रहे हैं अगेंस्ट नेशन स्टेट्स। तीसरा है ये सी में जो है एक्शन ले रहे हैं ताकि वो लैंड के ऊपर इन्फ्लुएंस होगा, और चौथा मैं बोल रहा हूँ कि ये मर्चेंट शिप और ट्रेड ये सबको टारगेट कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा और मीडिएट करेगा कि ये जो इसराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट उसको उसमें शांति लाएगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने कहा कि वहां के हालात बहुत फिजाइल हैं। हम रेड सी और गल्फ ऑफ अदन की बात करें तो मर्चेंट शिप ज्यादातर वहीं से गुजरते हैं। वहाँ दो चोक पॉइंट है, यमन के हुती उसी के आसपास ऑपरेट कर रहे हैं। लड़ाई तो हो ही रही है इसराइल और हमास में, लेकिन उसका असर भी हो रहा है यमन के आसपास। अब देखा जा रहा है कि मर्चेंट शिप पर अटैक भी होने लगे और असिमेट्री एक्टिविटी हो रही है, मिसाइल फायर कर रहे हैं, ड्रोन फायर कर रहे हैं और कई हमले किए जा रहे हैं। ये समुद्र में एक्शन ले रहे हैं ताकि जमीन पर उनका असर हो, मर्चेंट शिप को टारगेट कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय मध्यस्थता करे और इसराइल और हमास के बीच शांति हो। ये महत्वपूर्ण है जो कॉस्ट में एसिमेट्री है, जैसे कि एक ड्रोन की कीमत 20 से 25 लाख है, उसे मार गिराने के लिए मिसाइल फायर करेंगे जिसकी कीमत होगी 5 से 6 करोड़ एसी। लड़ाई करने का तरीका बदला है और इससे हमें भी सीख मिल रही है। फिलहाल 15A और 15B क्लास के डिस्ट्रॉयर को एंटी पायरेसी और एंटी ड्रोन अटैक ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया है। तो वहीं आसमान में भी अब सी गार्डियन ड्रोन, लंबी दूरी तक टोह लेने वाले P-8I डॉर्नियर विमान हेलीकॉप्टर, किसी भी भारतीय व्यापारी या फिर ईंधन लेकर आने वाले जहाजों पर संभावित हमले को विफल करने के लिए लगातार मंडरा रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जंगी जहाज पर तैनात मरीन कमांडो अदन की खाड़ी के पास के व्यापारिक जहाजों पर औचक निरीक्षण भी कर रहे हैं। लक्षद्वीप यानी कि 1 लाख द्वीपों से बना हुआ एक टेरिटरी जो कि भारत का हिस्सा है, और ये सामरिक तौर पर इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यहाँ से अगर हम बात करें जो सोमालिया कोस्ट है वो 3000 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी इलाके से गुजरता है। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से जो मेनलैंड इंडिया है वो 400 किलोमीटर है, और यही वजह है कि यहाँ बहुत ज़रूरी हो जाता है कि नौसेना का एक फुल फ्लेज बेस होना, और ये बेस आने वाले दिनों में अपनी ताकत का मुजाहरा ज़रूर करेगा। अरब सागर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ही, जहां पर फॉरस और ओमान की खाड़ी के इलाके में भारत का 80% एनर्जी ट्रेड आता है। दूसरा अदन की खाड़ी में एनर्जी ट्रेड के अलावा 90% अन्य व्यापार भी होता है, जो कि स्वेज नहर से रेड सी और अदन की खाड़ी से होते हुए 80% ट्रेड अरब सागर के रास्ते भारत पहुंचता है। ये सबसे बड़ा पायरेसी का इलाका है। जिबूती और सोमालिया के लुटेरे इसी जगह पर डकैती डालते हैं। ये व्यापार का सबसे छोटा रूट है, इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक बाकी जगह से कहीं ज्यादा है।
और इसी वजह से यहाँ पर समुद्री डाकुओं का खतरा बढ़ जाता है। अगर कभी अदन की खाड़ी वाला रूट बाधित हुआ तो मर्चेंट वेसल को मेडिटेरियन सी से होते हुए अफ्रीका के नीचे कैप ऑफ गुड होप रूट को आना पड़ेगा। ये रूट ना सिर्फ समय को बढ़ाएगा बल्कि इससे कीमत भी बढ़ेगी। तो वहीं पर दूसरी ओर यमन के हूती विद्रोहियों ने भी अब रेड सी और अदन की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में भारतीय ईईजेड के करीब हुए ड्रोन अटैक और पायरेसी की कोशिशों ने नौसेना के साथ साथ कोस्ट गार्ड ने भी अब कमर कस ली है। अपने ईईजेड यानी कि भारतीय तट से 200 नॉटिकल माइल का वो इलाका जहां प्राकृतिक संपदा पर अधिकार भारत का है, वहां पर हमारे हितों की रक्षा के लिए नौसेना के अलावा और कोस्ट गार्ड के 4 बड़े जहाज और दर्जनों छोटे जहाज अरब सागर के भारतीय ईईजेड में भारतीय हितों की सुरक्षा के लिए तैयार है। रेड सी पर हूती विद्रोहियों के कहर के चलते व्यापारिक जहाज अपना रूट बदल रहे हैं। इसराइल और हमास की जंग के बीच दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई है। वेस्टर्न ब्लॉक जिसमें कि अमेरिका यूरोप जैसे देश इसराइल के साथ खड़े हैं, तो वहीं फिलिस्तीन के साथ रूस सहित ईरान और अरब देश खड़े दिखाई दे रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा व्यस्त और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन स्वेज नहर और रेड सी में इसका असर भी दिख रहा है। इस इलाके में तैनात अमेरिका के सेंट्रल कमांडो के जंगी जहाज लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से व्यापारिक जहाजों पर दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन के हमलों को नाकाम कर रहे हैं। अब अगर हूती विद्रोहियों के हाथों बैलिस्टिक मिसाइल होने का दावा अमेरिका कर रहा है तो ये साफ कहा जा सकता है कि ईरान का पूरा समर्थन उसे है। और अब जब दुनिया के सबसे व्यस्त रूट में सुरक्षा का खतरा बढ़ गया है तो कई मर्चेंट शिप इस रूट को छोड़कर लंबे रूट कैप ऑफ गुड होप रूट के सहारा लेने को मजबूर हो गए हैं।